नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासभा में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे भरोसे का रोड शो पर। आज कानपुर में रोड शो है। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं माहौल बनाने के लिए कहें या किस चीज़ के लिए भी कहें, यहाँ पर इस बार गुमटी से लेकर कालपी रोड तक एक रोड शो किया जाएगा। बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कई जगह से रूट डाइवर्ट कर दिया। अगर आप कॉन्सर्ट में गए हों कभी, उस तरीके की व्यवस्था की गई है जहां पर आप सीधे मोदी जी का दीदार कर सकते हैं। लोगों से क्या बातचीत की हमारे संवाददाता ने, एक बार वो सुन लेते हैं फिर मुद्दे पे आते हैं। मोदी का रोड शो होना है गुमटी गुरुद्वारे पे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी मात्रा में भीड़ है, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, एक खुशी की लहर है और पूरा माहौल जो है वो मोदीमय हो चुका है। पूरे रोड शो के रूट को भाजपा के झंडों और गुब्बारों से सजाया गया है। यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी हैं जो रोड शो में शामिल होने के लिए आई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है? रोड शो है किस तरीके की? हम तो बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि मोदी को देखेंगे, मोदी को देखो बत्ती जल्दी आ रहा है। ऐसा है कि इतना ज्यादा खुशी हो रही है कि बता सकती हूँ, बहुत ज्यादा खुश है। क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब ये चुनाव होगा कानपुर का, क्योंकि आज मोदी का रोड शो? मोदी जी का भी ऑफिस हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, आप इंस्टा पे देख लीजिए, रील डालते हैं मोदी तुरंत ही वायरल हो जाती है। मतलब राहुल का तो चांस ही नहीं। क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया में मोदी जी का किस तरीके से बहुत ज्यादा, मतलब आप एक बार किया नहीं उनका, मतलब वीडियो मतलब इतने व्यूज बढ़े आते, वही मैंने देखा जो राहुल और मोदी का कंपैरिजन किया। करेंगे मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से ही आई हूँ। अभी आप आ चुकी हैं और अभी रोड शो 3 घंटे बाद स्टार्ट होगा, क्या लग रहा है आपको? अब आपको तो ये देख के ही लग रहा होगा कि कैसा माहौल है यहाँ का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हर मोदी घर घर मोदी, हर तरीके की है, जैसा कि उन्होंने आज तक का अपना वादा किया है और आज तक अपना वादा उन्होंने पूरा किया है। तो मोदी के आने को लेकर काफी उत्साह का माहौल है, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। और इसी बीच कानपुर से एक और खबर आ रही है जहां पर पीसीसी के सदस्य और पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी को नजरबंद किया गया है उनके चैंबर में। नरेश चंद्र त्रिपाठी को नजरबंद किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश चंद्र त्रिपाठी को किया गया है नजरबंद। नरेश चंद्र त्रिपाठी को उनके चैंबर में किया गया है नजरबंद। कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नजरबंद किए गए हैं। नरेश चंद्र त्रिपाठी को किया गया है नजरबंद। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी है नरेश चंद्र त्रिपाठी। नरेश चंद्र त्रिपाठी को किया गया है नजरबंद। एआईसीसी के मेंबर भी हैं नरेश चंद्र त्रिपाठी। नरेश चंद्र त्रिपाठी को चैंबर में किया गया नजरबंद।
थे। एआईसीसी के मेंबर नरेश चंद्र त्रिपाठी कांग्रेस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है। ये तस्वीरें हैं जब उन्हें कोतवाली पुलिस उनके चैंबर पहुंची, उन्हें नजरबंद किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर कोर्ट में के पास में जो इनका चैंबर है नरेश चंद्र त्रिपाठी का, उसमें उन्हें नजरबंद किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो आज कानपुर में हुआ ना, उससे पहले कांग्रेस के नेता नजरबंद किए जा रहे हैं, उनमें एक नाम नरेश चंद्र त्रिपाठी का भी। नरेश चंद्र त्रिपाठी को चैंबर में किया गया है नजरबंद। नरेश चंद्र त्रिपाठी को चैंबर में किया नजरबंद। एआईसीसी के मेंबर भी हैं नरेश चंद्र त्रिपाठी। नरेश चंद्र त्रिपाठी को चैंबर में किया गया नजरबंद। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं नरेश चंद्र त्रिपाठी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो भरोसे का रोड शो, कितना भरोसा जनता जताएगी इस रोड शो पे, बड़ा रार है दोनों ही तरफ। एक तरफ जनता कह रही है कि भाई किसको भेज दिया, एक तरफ जनता कह रही है कि मोदी जी आ रहे हैं। अभी सुना भी आप लोगों ने, यहाँ मोदी जी के आने से ज़्यादा क्रेज़ ये है कि हम उनकी रील में आ जाएं। जैसा कि आपने सुना कि उनकी रील आ जाएगी तो हम वायरल हो जाएंगे, और मोदी जी की हर रील वायरल होती है। तो नए दौर में ये सब भी चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर मोदी जी के आने से पहले थोड़ा सा जनता को कष्ट उठाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना चाहिए। गाड़ी आड़ी वाहनों से ना निकले, जो प्रतिबंधित एरिया हैं जहाँ से आपको रास्ता दे रहा है प्रशासन, वहाँ से ही निकलिए। अमित शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से ही जुड़े हुए हैं, उस स्थल पर हैं जहाँ पर मोदी जी का रोड शो होगा। श्वेता दुबे जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रफत फातिमा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर एमएल वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे अमित शर्मा का रुख करते हैं। अमित, अभी क्या तैयारी है और कहां कहां रूट डाइवर्ट किया गया है? जो रूट डाइवर्ट करने से दिक्कतें जो आ रही हैं लोगों को, क्या पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर पाई? फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। अमित, देखिए ये जो गुप्ती भगवान से लेकर संत जी चौराहे से निकल गए, मंडी के लिए जो नरेंद्र मोदी का रोड शो जाना है, उससे पहले गुमती गुरुद्वारे के जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। आप चाहे बजरिया की तरफ से आए, या आप राजा सिंह की तरफ से आए, या आप गरीब चौकी की तरफ से, तीनों ही रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। यहाँ आने की किसी को कोई रास्ता न छोड़ा गया, सिर्फ एक रास्ता सफलगंज से बनाया गया है जहाँ लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग कार्यक्रम स्थल पर नहीं आ रहे वो इन रास्तों पर नहीं आ सकते जी। और अब मैं सीधे रुख करूंगा प्रोफेसर एमएल वर्मा जी का। सर, ये रोड शो, ये रैली जब होती है तो लोगों को बड़ी आस होती है कि भाई ठीक है, लेकिन इन रोड शो पर भरोसा कैसे है? मतलब पब्लिक के लिए जो मूल मुद्दे हैं, जैसे कानपुर का अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि ग्वाल टोली का नाला कब सही होगा। एक समय था वहाँ लोग सेल्फी लेने की बात कर रहे थे, अब कोई उस नाले को चिमटे से भी नहीं पकड़ने को तैयार है, उस मुद्दे को कि चिमटे से ही छूले, हाथ न साफ रहे उनके। उसके बाद अगर बात की जाए तो गंगा में नाले का गिरना, वो वैसे ही जारी है। जाम की जो दिक्कत थी वो वैसे ही जारी है। और जो हम लोग और बातें कर रहे थे कि भाई चलिए दो बार तीन बार यहाँ श्री प्रकाश जायसवाल रहे कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने
दो चार फ्लाई ओवर दिए, लेकिन उनमें भी उसके बाद फ्लाई ओवर बनना बंद हो गए। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूल मुद्दे ये हैं। अब है क्या कि जनसभा इस बार हो नहीं रही है मोदी जी की। पिछली बार मैं निराला नगर की जनसभा में गया था तो वहाँ आशा कार्यकर्ता मुझे मिली थी, वो रो रही थी कि मुझे बुलाया गया था कि मोदी जी मेरी बात सुनेंगे, मुझे बाहर भेज दिया गया। अब की तो रोड शो है और रोड शो में बाकायदा बैरिकेड है। देखिए, अब महापौर के बेटे की नहीं एंट्री हो रही तो आम जनता कैसे जुड़ेगी इससे? देखिए भाई साहब, जो सत्ता पक्ष होता है उसकी चाहे रोड शो हो चाहे रैली हो, उनके इंतजाम के लिए प्रशासन लगता है। और जैसा कि आपने भी उदाहरण बताया कि आशा बहन मिली थी और वो रो रही थी, हमें तो व्यक्तिगत अनुभव है कई जगहों के, कई जिलों के, कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं चाहे मोदी जी का हो चाहे योगी जी का, तो पहले प्रशासन को बता दिया जाता है। इवन उसके जिसको कह सकते हैं तंबू और उसके कुर्सियां और उसके अलावा पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए सारे जितने भी ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, लेखपाल होते हैं, सारे लोग उसमें इकट्ठा रहते हैं और उन सारे लोगों से बुलवाया जाता है। तो इसलिए एक तो मुझे ताजुब होता है कि इलेक्शन के समय में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना, चाहे कोई सत्ता पक्ष हो, विपक्ष को तो मिलता नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष को अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को इस पर बैन लगानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये एक जिसको एक शब्द कहते हैं भौकाल बनाने की, तो रैली और ये रोड शो भौकाल बनाने के लिए किया गया है, ये वास्तविक जनता नहीं है। और जहां तक ग्राउंड रियलिटी की बात है कि शहर को ठीक करने की, तो शहर को ठीक करने के लिए अब आप एक तरफ न्यूज कह रहे हैं कि महापौर के बेटे को रोका गया, दूसरी तरफ महापौर जी भी हैं और कानपुर कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं किया है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि मेरे ख्याल से रैली और रोड शो का कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो वोट में नहीं कन्वर्टित होगा। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि पिछली बार भी हमने से बिहार की बात करें, वहाँ तेजस्वी यादव की भीड़ बहुत हो रही थी 2020 में, लेकिन सरकार में वो नहीं आए, मुख्यमंत्री कोई और ही बना, आज भी वही है। श्वेता दुबे जी का रुख करता हूँ। श्वेता जी, एक तो आप लोग कहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो ये नेताओं को नज़र बंद कराने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया कि कोई नेता वहाँ पुलिस पहुँच गई, बेचारे वकील साहब हैं, क्लाइंट लाइंट बैठे थे, बड़बड़ा के पुलिस पहुँच गई, कहीं ना आप नज़रबंद हैं। देश के प्रधानमंत्री सबको मिलने का मौका देना चाहिए, और मुझे भी बड़ा मन था मिलने का, लेकिन किसी कारणवश मैं जा नहीं पाया। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और देश के भी प्रधानमंत्री हैं, दोनों बातों में कोई विभिन्नता नहीं है। और मोदी जी का रोड शो है, नजरबंद होने की जानकारी मुझे नहीं है कि कैसे क्या है, अभी आपकी न्यूज ही फ्लैश हुई तो मैंने देखा है, इसलिए इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और रही बात अभी पूर्व जो हमारे वक्ता बोल रहे थे रोड शो और भौकाल, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि रोड शो की शुरुआत ही एक तरीके से श्री राजीव गांधी ने करी है, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत ज्यादा या सोनिया गांधी जी बहुत ज्यादा सभाएं नहीं कर सकते, संबोधित नहीं कर सकते थे, तो एक उनका वो था। तो अब ये एक चलन बन गया है कि ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम क्षेत्रों को कवर करने के लिए रोड शो का आयोजन किया जाता है। चलिए, रफत जी का हम रुख करेंगे। रफत जी, पहली बात तो 1991 से 91-96 में चुनाव बीजेपी जीती, इसका 1999 से अगर बात की जाए, 1999, 2004, 2009 और 2014 में यहाँ से कांग्रेस सीट हारी। कांग्रेस को यहाँ बहुत पसंद किया जाता था, वो जो नेता थे उनका जो एटीट्यूड था उनको बड़ा पसंद करती थी जनता, लेकिन 2014 की मोदी लहर में वो हारते हैं। लेकिन पिछली बार जब हारे तब भी ज़्यादा वोट पाए और 19 में भी ज़्यादा वोट पाए, लेकिन जनता ने उनको नहीं स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ से भी जो लोकल सांसद होते हैं वो जीतते हैं। इस बार एक नया कैंडिडेट है, ऐसा कई जगह देखने को मिला, लेकिन रोड शो, रैली, विकास, ये आपको लगता है कि 2.5 घंटे की इस पूरी रोड शो में या 3 घंटे के रोड शो में कानपुर की वो 12-14 किलोमीटर में झलक समझ जाएंगे प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है? अनम्यूट कर लीजिए रफत जी अपने आप को। जी विशाल जी, जैसे कि आप बता रहे हैं ना कि यहाँ पर हमेशा से हमारा कैंडिडेट कम वोटों से हमेशा हारा है, तो जिस तरीके से आप कानपुर की बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल सिटी, वहाँ बहुत बड़ा कारोबार चमड़े का था, बहुत वहाँ पे कारखाने, कल कारखाने बहुत थे, मतलब वहाँ का मशहूर था कि वहाँ के उद्योग
पूरे सारे देश में मशहूर थे, लेकिन जिस तरीके से उद्योगों को खत्म करा गया, अब ये रोड शो और ये वर्चस्व तानाशाही जिस तरीके से नजर बंद कर रहे हैं तानाशाही, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसको किसका भरोसा जीत रहे हैं। जनता का भरोसा जीतने पहुंचे हैं ना वहां पर, कौन सी जनता? उस जनता में किसान भी आता है, उस जनता में हमारे छोटे रोजगार जो रोजगार कर रहे थे, हमारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, वो सब आते हैं। वो जनता कहाँ है? वो जनता नहीं है। और इंस्टा की बात कर रहे हैं, इंस्टा पे वीडियो रील इनकी वीडियो जो इतने व्यूज हो जाते हैं, तो ये तो जनता कह रही है, ये तो जनता के लोग ठीक है, वो जनता कह रही है वो उसकी बातें सराहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है विकास कहाँ हुआ, ये कौन सी दुनिया में विकास हुआ? जी मैं चाहूंगा जो अन्य जूम पर फोन करो, तुम फोन करो। मैं फिर से अपने कहता हूँ, उससे पहले आपको कानपुर की एक छोटी सी जो चीजें हैं, 5 विधानसभा क्षेत्रों वाली कानपुर संसदीय सीट पर 1991, 96 और 1998 में चुनाव में बीजेपी जीती थी। इसके बाद 1999, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता शिव प्रकाश जायसवाल सांसद चुने गए। जायसवाल 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। मोदी लहर में 2014 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हारे थे। 2019 में यहां से भाजपा के सतदेव पचौरी, जो कानपुर के ही रहने वाले थे, वो जीते। क्रांतिकारियों की इस धरती पर सर्वाधिक बार कांग्रेस के सांसद जीते हैं। विकास और स्थानीय मुद्दों पर बीते 20 सालों में यहां से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें मिली हैं। टोल रूम का काम चल रहा है। जी जी विशाल जी, हम बात कर रहे थे कानपुर जी। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया में विकास हो रहा जो दिख ही नहीं रहा है, ये सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं, या हम सोशल मीडिया और इसके सहारे जो है विकास करेंगे? जो जमीनी विकास है वो कहाँ है? हमारे किसानों से जो वादा करा था वो आखिर कब पूरा करा जाएगा? जब चुनाव आता है तो ऐसे ही लंबे लंबे रोड शो और सभाएं करके जो वादे पब्लिक को झुंझुना पकड़ाया जाता है, वो जनता जान चुकी है। आज जनता सब समझ रही है। अभी बात हो रही थी ना कि ये रोड शो IIM नेहरू जी के टाइम पे चले, जब जनसभा होती थी रोड शो होते थे, जब नेहरू जी का एक बूढ़ी औरत ने कॉलर पकड़ा, शायद आपको ही पता हो हमको ही पता है, कि जो एक बूढ़ी औरत ने कॉलर पकड़ लिया था, उन्हीं ने कितनी जो है सहजता से उसको जो है आराम से जो बात करी, उन्हीं ने कहा कि ये मतलब उनका अधिकार है कि प्रधानमंत्री जी का कॉलर पकड़ के वो अपनी बात कह रही है, कि एक प्रधानमंत्री एक किसी भी एक अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा व्यक्ति है उसकी सुने। तो प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान तानाशाही नहीं करता है, वो किसी को नजरबंद नहीं करेगा, वो डरा हुआ नहीं होगा, वो डरेगा नहीं। और टेलीप्रॉम्प्टेड की सहायता से हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, हमारे क्या लग रहा है श्वेता जी भी वैसे ही बोल रही है। तो जिस तरीके से बात हो रही है रोड शो की, अनुसरण कर रहे हैं वो हमारी पार्टी का, राजीव गांधी जी का अनुसरण कर रहे हैं, नेहरू जी का अनुसरण कर रहे हैं, इंदिरा गांधी का अनुसरण कर रहे हैं, वो जो अब तो राहुल जी का भी अनुसरण करते हैं, जो वो कहते हैं उसका जवाब देते हैं। आज उनको याद आ रहा है महिलाओं का मंगल सूत्र, वही मणिपुर, यही जो है यूपी में जो है जज जो है आत्महत्या कर लेती है, वो अपना लेटर देती है कि हम पर जो है हमको हैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है और वो आत्महत्या कर लेती है। तो किस मंगल सूत्र को बचाने की बात कर रहे हैं? लगातार मंगल सूत्र छीने जा रहे सड़कों पर। तो ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, ये किसानों को धोखा दे सकते हैं, ये नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, ये हमारे महिला सुरक्षा के झूठे ढोंग जो कर रहे हैं वो जनता समझ चुकी है। तो आज जनता ने समझान लिया है कि किस तरीके से इनको सत्ता को उखाड़ना है। तो आप कानपुर में देखिएगा कि किस तरीके से इनको जनता जो है ये इसी 2014 में ही आया है कि आप कैसे ये 2024 में जा रहे हैं। चलिए अमित शर्मा है, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, संवाददाता है हमारे, एक बार उनसे भी देख लेते हैं वहां पर क्या माहौल है मोदी जी के आने से पहले। अमित जी, मोदी जी के आने से यहां का माहौल लेकिन अब और संख्या बढ़ गई, हालांकि अभी धूप की वजह से संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब मोदी जी के जो समर्थक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी जी के आने में तकरीबन अभी 1 घंटा है, लेकिन उससे पहले ही काफी भीड़ यहाँ पहुंच चुकी है। जी कौन कौन लोग हैं वहां पर, क्या पुलिस अधिकारियों क्या बंदोबस्त हैं, क्योंकि कल रात से ही वहां पर भीड़ थी, उसके बाद पुलिस आती है भीड़ को थोड़ा समझाती है, अभी वहां पर लोग कहां पर मौजूद है और आपकी जगह खड़े हैं और मोदी जी कितनी देर में वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए मोदी जी के पहुंचने का जो समय था वो 6:15 का रखा गया था, हालांकि अभी उस तरीके की जानकारी नहीं आई कि वो कितनी देर से आने वाले हैं,
लेकिन योगी जी जरूर कानपुर पहुंच चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कानपुर पहुंचे हैं, गुमती गुरुद्वारे में मौजूद हैं, और जो मीडिया गैलरी बनाई गई है उससे मीडिया को निकलने के लिए मना किया गया है कि मीडिया गैलरी से बाहर मीडिया नहीं रहेगी। तो ब्लॉकेज कई ऐसे जगह ब्लॉक कर दिया गया है कि कोई आ जा नहीं सकता है, जिस ब्लॉक में जो रुका है वो वहीं रुका रहेगा। तो मीडिया को बहुत लंबा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गुमती से काफी दूर, गुमती गुरुद्वारे से संत नगर चौराहे की जो दूरी है वो काफी लंबी है और मीडिया गैलरी संत नगर चौराहे पे बनाई गई। ऐसे में जब मोदी जी वहां से निकलेंगे तो संत नगर चौराहे पहुंचते पहुंचते उनको काफी देर हो जाएगी। ऐसे में जो मीडिया गैलरी तक पहुंचने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और मीडिया को भी कम दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, अब मीडिया को ही कम दिख रहा है। खैर, अब मीडिया के लोग जहां पर स्थापित किए जाएंगे वहीं रहेंगे। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ श्वेता दुबे जी भी है। श्वेता जी, जवाब दीजिए पहले तो रफत जी का, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पहले आप रफत जी के सवालों का ही जवाब दीजिए। विकास हो कहां रहा है और विकास दिख क्यों नहीं रहा है, ऐसा रफत जी पूछ रहे हैं। के पतन का कारण है सबसे बड़ा, मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका वो देखकर ही बोल रही हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर से बात करूं। और रही बात विकास की, यही झकरघटी का जो चौराहा था यहाँ पर, हम लोग गाड़ियों से फंस जाते थे डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के लिए। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो रफत जी को एक चक्कर लगवा दीजिए। मैम अभी फंस रहे हैं, अभी भी श्वेता दी वहां तो अभी भी फंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहां तो अभी भी फंस रहे हैं। अब नहीं हो रहा है भैया, अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि विकास, भाई आप ही ने भी मुझे बताया 91 में और 97 में कांग्रेस ज्यादा रही है वहां पर, तो वहां का विकास की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी कि जो भाजपा सत्ता में ही नहीं थी वो वहां विकास करने जाती कानपुर का, बताइए। और जवाहरलाल नेहरू जी तक पहुंच गए, बीच में 75 की इमरजेंसी भूल गई, मतलब क्या बताया जाए। वैसे ही कांग्रेस के नेता लोग हैं, वैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता लोग हैं। इन्होंने मैम सबसे ज्यादा फ्लाईओवर जो मेरे पास डाटा है ना, उसमें सबसे ज्यादा फ्लाईओवर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही बने यहाँ पे। जो चार घंटे से कल रात से भीड़ है, ये कोई कहीं बाहर से लाए हुए व्यक्ति नहीं है, ये साधारण जनमानस है जो अपने जन नेता अपने प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहता है। इतनी भीषण 44 डिग्री तापमान में वहां खड़ा हुआ है, ये किसी ने पैदा नहीं किया है भाव, ये मोदी जी के प्रति उनकी भावना है। हम सब मोदी का परिवार है, परिवार के सदस्य अपने मुखिया को देखना चाहते हैं, तो ये इसलिए वहां पर खड़े हुए हैं। जो नजर बंद किए गए वो परिवार के सदस्य ना माने जाए, या ये माना जाए कि वो परिवार के लोग अलग रहते हैं। जी अलग नहीं रहते, ये फरुखाबाद का कानपुर की जनता है जो अपने मोदी जी को देखना चाहती है। बिल्कुल, प्रोफेसर एम एल वर्मा जी भी हमारे साथ। सर, झकरघट्टी से कभी आप निकले हो तो जाम अब लग नहीं रहा है बिल्कुल। ये तो गलत है, जाम नहीं लग रहा। मैं तो आप ही की बात मैम कह रहा हूँ, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूँ कि अब जाम नहीं लगता दो दो घंटे। भैया देखिए, कानपुर जैसे शहर में सुधार हुआ नहीं लगता था, ऐसा क्या हो गया? कोई रोड चौड़ी हो गई, कोई फ्लाईओवर बन गया जिसके कारण जाम कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस ही चश्मा उतार दीजिए, उनके चश्मा लगा ही नहीं है, सर के तो चश्मा ही नहीं लगा है, वो तो ऐसे ही देख रहे हैं। मैं बिना चश्मे वाला हूँ, मुझसे कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीइंग अ साइंटिस्ट में बात करता हूँ और जो फैक्ट है उसकी बात करता हूँ, मुझे ना बीजेपी से ना किसी उससे, और अगर मेरा पक्ष कहीं बीजेपी से नहीं होगा तो कांग्रेस से भी नहीं है, आप इतना जान लीजिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में जो स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, अब स्मार्ट सिटी तो रहा नहीं और तमाम सी चीजें हैं, वही अभी स्थिति है। आम पब्लिक से पूछिए, मैं तो वो मैं भी संघ का कार्य करता रहा हूँ, अभी जग्गी झोपड़ी में जाता हूँ उनकी मदद करने, और उनकी मदद करने जाता हूँ मैं, मुझे ताजुब होता है कि उनकी क्या तरक्की हो गई। खाली 5 किलो अनाज से तरक्की नहीं होती, मैं पार्टी के विरोध की बात नहीं करता हूँ, पर ग्राउंड रियलिटी है, सत्यता ये है, यानी जो तबका समाज का जो हमारा सबसे पीछे है उसको आगे बढ़ने के लिए क्या किया गया? ऐसा कुछ नहीं है। तमाम अभी आप क्रॉसिंग के किनारे तमाम से निकलिए, जुग्गी झोपड़ी बड़ी, वो 10 साल पहले भी थी और 10 साल बाद भी, तो अंतर तो नहीं आया ना।
भाई साहब 70 साल क्या जो किया दराकार है वो 10 साल में कैसे नहीं, ये उदाहरण नहीं होता है। हमारा एक बहुत बड़ा देश है और इसमें समस्त समस्याओं का समाधान 10 साल में संभव नहीं है। जो 50 सालों में नहीं हो पाया वो 10 साल से उम्मीद करना तो एक चमत्कार। आप वैज्ञानिक है, आप चमत्कार की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे ही तो बदलाव आएगा। नहीं, उसके लिए हमको आपको दोनों लोगों को सजग होना पड़ेगा। केवल राजनीतिक नेतृत्व सजग हो जाएगा उससे काम नहीं चलेगा। मैं धरातल पे बात कर रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, ये एक जनरल सामान्य व्यक्ति भारत के नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ। हमको आपको दोनों को जागरूक होना पड़ेगा भाई, तभी होगा जो विकास का सपना हम देख रहे हैं। आप कानपुर से बहुत ज्यादा करीब रहती हूँ तो आप ही से एक सवाल है सर, जैसे कह रहे हैं ना कि नहीं बदला, 70 साल तो हो गए, 70 साल में कांग्रेस के किसी या विपक्ष के किसी नेता ने हिम्मत ही नहीं की ग्वालटोली नाले की बात करने की। वो नाला वो है जिसमें कि पूरा पूरा घर डूब जाए पता ना चले, और उसके बाद जब मुझे लगता है कि वहाँ भारतीय मंत्री थी तो उन्होंने कहा मैं जल समाधि ले लूँगी अगर ये ना करा पाई, वैसा ही नाला आज भी चल रहा है। और मैं परसों या 4-5 दिन पहले गया था तो कम से कम मेरी हाइट के बराबर वहां पर मलबा रखा हुआ था, उसके सामने पूरी कॉलोनी बसी, वहां लोग रह रहे हैं। देखिए तो चीजें वहीं पे, और नहीं मैं बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं आपको फिर बताता हूं कि वहां पर सेल्फी लेने की बात कही गई थी, वहां लोग सेल्फी लेंगे, ऐसा ऐसी व्यवस्था बनने जा रही थी स्मार्ट सिटी और सब में। पूरे शहर के नाले खुले हुए हैं, 2 दिन में दुबई बना दिया यहाँ का एरिया जहां पर रोड शो है, और बाकी अगर 2 किलोमीटर दाएं चले जाए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सारी जो विकास की बात कही जा रही है इतनी दूर में वो सब धरी की धरी रह जाएगी। देखिए कूड़े के ढेर इकट्ठा है या कुछ, ये तो स्थानीय प्रशासन और नगर निगम का कार्य है, और मैं कानपुर नहीं रहती हूँ, मैं फरुखाबाद रहती हूँ, तो मैं अपना जो मेरा था जो हम लोग 5 घंटे में सफर करते थे अब मात्र 2.5 घंटे में हम फरुखाबाद से कानपुर पहुंच जाते हैं। और मैंने जाम की बात इसीलिए की थी क्योंकि उसी से हम लोग 2-4 होते थे, तो वो सब समस्याएं दूर हुई हैं। इसलिए अब कौन सा नाला इतना डीपली मैं कानपुर के बारे में नहीं बता सकती, ये तो वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है जो नगर निगम है और स्थानीय लोगों की पार्षद। देश में उसकी एक अलग उपाधि है, ग्वालटोली नाले को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, वो बिल्कुल लोग उसको कहते हैं कि वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो नाला। अगर यही बात आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए उस क्षेत्र को दुबई बना दिया गया है, तो मैं तो दुआ करूंगी कि कानपुर में प्रधानमंत्री जी रोज आए। आपका बस यही हर कानपुर वाला दुआ कर रहा है कि अगर वो रोज आए तो रोज हमको इतनी सफाई मिल जाए। हमें तो वो मशीन दिख गई कानपुर में सफाई करने के लिए जो पिछले मैंने 26 साल में नहीं देखी। मैंने 26 सालों में मशीन नहीं देखी थी नगर निगम के पास जो मुझे 2-3 दिन में दिख गई है कानपुर की शहर सड़क पे। रफत जी क्या कहेंगे, जैसे अभी अनाज की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, कांग्रेस भी इतने साल यहाँ रही, उसने भी कुछ नहीं किया, इस बार फिर से एक प्रत्याशी आए हैं, स्कूल चलाते हैं, बड़ा उनका भी बवाल रहता है, कैसे जीतेंगे आप लोग? और कांग्रेस का संगठन दूर नजर आ रहा है। विशाल जी जिस तरीके से बात हो रही थी ना, अभी चश्मा लगा ये लगा वो लगा, हमें लगता है जनता के सच में बात होना चाहिए। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये नहीं कि हमने जो करा है वहीं से विकास रुक जाना चाहिए। आप हमें ये इतना बता दीजिए कि विकास कहां से कितना करा गया है। आप नोटबंदी की हमें बता दीजिए सारी के किस तरीके से उसके फायदे हुए, जीएसटी के फायदे बता दीजिए, आत्महत्याएं कितनी बढ़ी है उसका आंकड़ा बता दीजिए, किस तरीके से लोगों का व्यापार खत्म हो गया है, ये 5 किलो अनाज का जो दिया जा रहा है, ये जनता की आत्मनिर्भरता खत्म करी जा रही है, उनको जो एक आत्मविश्वास से जीने की उनकी जो भरी हुई थाली उनकी आगे से छीनी जा रही है, जो वो खुददारी से खाना चाहता है लेकिन आज उसका रोजगार छिन रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जाहिर है ये 5 किलो अनाज दे के उसके ऊपर एहसान जताया जा रहा है जनता से लगातार हमारे देश की। तुम लोग ऐसे भेज रहे रफा जी अपनी बात को पूरा करें। जी जिस तरीके से अभी बात हो रही थी ना, हमें तो लगता है अपना हरियाली नुमा जो चश्मा लगाया है जिससे से बाहरी बाहर नजर आ रही है उसको उतार देना चाहिए, जनता के दुख दर्द को देखना चाहिए। आप जमीन पे उतरते नहीं है, सच में सोशल मीडिया पे आप सिर्फ बातें बनाना आती है, लेकिन जमीन पे आप उतर के देखिए किस तरीके से क्या स्थिति हो गई लोगों की, किस तरीके से लोगों के पास कारोबार नहीं, किस तरीके से लोग परेशान है, और यही
कॉन्सर्ट की आपने शुरू में बात करी कि कॉन्सर्ट, ये कॉन्सर्ट इवेंट करने वाली सरकार जिस तरीके से हर झुग्गी झोपड़ियों को छुपाती है, उन पर पर्दे ढाल देती है, जब इनका कुछ प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, तो पूरा जो है गरीबों को छुपाने की कोशिश होती है। तो ये गरीबी को छुपाने वाले लोग, ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले लोग, ये जनता के दुख दर्द को क्या जाने, ये जनता के दुख दर्द को जान ही नहीं सकता। जो है इंसान उद्योगपति के जो है कर्जा माफ कर दे रहा है, लेकिन आज किसानों का कर्जा माफ करने में उसको उहापोह हो रही है। तो ये परेशानियां जनता के साथ है, हमको जो है नहीं नकार रहे कि कांग्रेस जितना करा तो सुई से लेकर जहाज तक के कांग्रेस के पास उस टाइम क्या था आजादी के बाद, आप खुद सोचिए जिस तरीके से देश को विकास की जरूरत थी, विकास हुआ, लेकिन विकास कहां से रुक गया। सवाल ये उठ रहा है क्यों नहीं 10 साल में क्या ऐसा बता दीजिए, श्वेता जी आप बताइए बैठ के आप कि कौन से हॉस्पिटल आपने दे दिए, कौन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपने दे दिए, और ये कौन से आपने ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही कर दी। लोग कंधों पर आशे आज भी उठा रहे हैं, जिस तरीके से एम्बुलेंस की कमी, आज भी ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है हमारे यूपी के, आज आप पेपर उठा के देखिए वेंटिलेटर की कमी, आज जो है एक्सपायर इंजेक्शन लग रहा अस्पतालों में, तो क्या ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। सवाल तो ये उठता है, रिपोर्ट हम आपसे ये मांग रहे हैं, हम विपक्ष में हमारी जो जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं, हम जो मुद्दे उसको उठाएंगे ही यहाँ बैठकर, हम जनता की बात करेंगे ही। साहब जितना चाहिए कि हम चश्मा कौन सा लगाए और नहीं लगाए, चश्मा उतार दे या नहीं लगाए, लेकिन हम लोगों को समझ रहे हैं, हम जमीन पे जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मीडिया में नहीं है कि हम प्रवक्ता बन के यहाँ बात करें, हम महिलाओं के बीच में भी जा रहे हैं, हम उन युवाओं के बीच में भी हैं जो रोजगार के लिए जब लाठी खाते हैं आपसे, तो सवाल ये उठता है आपने कितना रोजगार दिया है, करोड़ों रोजगार का वादा करने वाले आज ये बताए कितना रोजगार दिया, लोगों के रोजगार छीने आपने, सवाल यहाँ पे क्यों उठ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी पे कोई इल्जाम लगाने यहाँ नहीं बैठे, यहाँ पे जनता ही की बात करना चाहिए, हमें करोड़ों जनता देख रही है यहाँ पे बैठी, तो हम सिर्फ हरी हरी बहारों वाली बातें करके यहाँ से उठ जाएंगे तो ये मेरे बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी विपरीत बात होगी कि हम अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे, हमें जनता की बात करनी है। उनसे जवाब लेते हैं, श्वेता जी से जवाब भी ले लेते हैं, श्वेता जी से जवाब भी ले लेते हैं। श्वेता जी, रफत जी ने पूछा कि विकास कहाँ चला गया, तो मैं बता दूं विकास अमेठी से रायबरेली चला गया। नहीं, वो तो राहुल जी गए, विकास कहाँ गए राहुल जी, घूम फिर के। अच्छा एक चीज है, कल तक वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे यूपी से तो डरे थे, फिर उन्होंने एक नारा भी दिया था राहुल जी ने, डरो मत, अब वो रायबरेली चले गए, तो मैं कह रहा हूँ कहीं से लड़े भाजपा को, तो भाजपा से इसमें बात ही नहीं करनी चाहिए भाजपा को, तो कहीं चल रहे हैं आप, तो दोनों सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, रहते रहते हैं। अरे आप निकलिए, कांग्रेस कोई बात करते निकलिए, सड़क पर देखिए क्या चल रहा है, 10 साल से अंदर चलिए सड़क पर चल के आ रहा है, वहां पर हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता वहां पर है जहां से रोड शो की स्टार्ट होना है और गुरुद्वारे के आसपास वो मौजूद है। सारिका, इस वक्त क्या माहौल है जो गुमटी से जहां गुरुद्वारे के पास शराब मौजूद है? बिल्कुल विशाल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके की यहां पर सूचना आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कानपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से यहां पर जो गुरुद्वारे में उनका रोड शो शुरू होना है, सिख समुदाय से मुलाकात कर रही है और यहां के लिए रवाना होने वाले हैं, ऐसे ही ये जानकारी यहां पर मिल रही है। और हो सकता है कि अगर वो आ गए होंगे तो सबसे पहले जो कवरेज है वो के न्यूज में हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। हालांकि अभी जो रोड शो की तैयारियां हैं वो हम अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं और अभी भी आपको बता दें कि काफी मतलब हजारों की संख्या में जो शहरवासी और आसपास के जो जिले के लोग हैं वो इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी का रोड शो है, बकायदे लोकसभा अकबरपुर की जो सीट है उसके और कानपुर शहर की जो सीट है उसको लेकर यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनको जीत का जो मनोबल है वो बढ़ाना है, उसके साथ साथ जो जनता का सपोर्ट है और जितना नरेंद्र मोदी को जनता पसंद करती है वो सारी चीजें यहाँ पर इस रोड शो में दिखाई देंगी। चारों तरफ जिस तरीके से भगवा कलर में इस रोड शो की भव्यता को दिखाया जा रहा है, पूरी जो साफ सफाई है उसके साथ साथ जो सजावट है वो भगवे कलर से करी गई है, रंग बिरंगी लाइटें हैं, जगमग हो चुका है कानपुर का ये घूमती बाजार और इसके साथ साथ जो गुरुद्वारा है वो पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं बस कुछ ही देर में यहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद जो गुरुद्वारा है वहां पर माथा टेकेंगे और कम से कम 5 से 6 लोगों से जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनका रोड शो गुरुद्वारा से शुरू होगा जो यहाँ पर। सरकार म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सारिका अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है।
सारिका अनम्यूट कर लीजिए। चलिए फिर से हम सीधा रुख करेंगे अब एमएल वर्मा जी का। सर क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण है वो इस बार इलेक्शन को लेकर थोड़े विपरीत हैं। इस बार फाइट मानी जा रही है, पिछली बार की तरह मामला नहीं लग रहा है, और रोड शो से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन उस वर्ग को साधना है जिसकी आबादी 4 लाख के करीब है और वो कहीं ना कहीं कई बार से बीजेपी से दूर रहा है। सर ये तो इस समय चुनाव चल रहा है तो ये मैनेजमेंट की बात है, और आपको मालूम होगा शायद कि आज प्रधानमंत्री जी का रोड शो है और कल अपने गृह मंत्री जी इसके मैनेजमेंट के लिए पहले से पड़े हुए रुके हुए थे यहाँ पे, तो ये इवेंट मैनेजमेंट के रूप में प्रचार किया जा रहा है, और अब ये देखना है कि उसका फल कितना पब्लिक को मिलेगा। और निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा वाले कहते हैं हमने बहुत विकास कर दिया, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, 70 साल की बात करते हैं। अगर हम अपने बाबा की बात करें, वो हमारे बाबा कृषि खेती करते थे, और हम ये कहें कि हमें भी वही करना है, तो वो तरक्की की बात नहीं हुई। तरक्की की बात तो ये होती है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने क्या किया है, वर्तमान परेशान है तो नेक्स्ट जनरेशन की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि रोड शो और ये सब चीजें ये पब्लिक को परेशान ही करती हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि पब्लिक अपने आप से आई। ये तो मेरा अनुभव है और मैंने देखा है कि पब्लिक कैसे इकट्ठी कराई जाती है और कैसे लाई जाती है। ये प्रशासन बता सकता है, प्रशासन बोलता नहीं, चुप है, उसकी बात अलग। विशाल बिल्कुल फाइनल कमेंट ले लेंगे श्वेता जी आपसे, फिर रफत जी का रुख करेंगे हम। श्वेता जी फाइनल कमेंट। देखिए रही बात विकास की, हमारा देश जो है एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और फिर भी भाजपा के राज्य में हम समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमने एकदम सुधार दिया है और रामराज आ गया है, जैसे कि रफत जी इतना गुस्सा कर रही है कि 10 साल से पहले भारत में कोई समस्या नहीं थी, एकदम सब कुछ सही था, सड़कें बनी हुई थी, किसान भी समृद्ध थे और युवा वर्ग को भी पूरा रोजगार मिल गया था, और हम 10 साल में आए और हमने सारी मैम एक चीज लेकिन 2014 से पहले ऐसा भी नहीं था कि हम जंगल में रह रहे थे। ये बातें 10 साल मैं तो ये कह रहा हूं कि 2014 से पहले ऐसा भी नहीं था कि लोग जहां जंगल में रह रहे थे, लेकिन पेटेंट ऐसे क्या आता है कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ जनता को हुआ है। जी श्वेता जी अपनी बात को पूरा करें। और आप बताइए इससे पहले बस क्या उदाहरण दिया जा रहा है, नेहरू जी के बाद कानपुर में सबसे ज्यादा बार आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बीच में और कितने प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी कानपुर की सुध ली? मैं बस सिर्फ इसका देखिए, सिर्फ नारा करने से काम नहीं चलेगा। राजनीतिक पार्टी का विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन जन भावना का विरोध आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जल्दी से रुक करते हैं, जल्दी से मैं फाइनल कमेंट ले लूंगा रफत जी का। रफत जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। देखिए विशाल जी सच बातें, कहीं ना कहीं जनता ने जिस पार्टी को चुना उसने कुछ सोचा, उसने उस वादे पे पूरा होते कुछ देखा कि इसकी लगा कि उसको बदलना चाहिए चीजें, उसने बदलाव करा। आज उसको क्या मिला, उसको फिर से वादों के झूठे जो जाल में फंसाया गया। तो सवाल ये उठता है, देखिए 400 का नारा भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, शाइनिंग इंडिया। जल्दी से अपनी बात खत्म करो, डिबेट को क्लोज करना जल्दी से। ध्वस्त हो चुके, एक निराश हताश आदमी दूसरों पे हमेशा इल्जाम लगाता, अपनी बात नहीं करता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपका, रफत जी आपका, एमएल वर्मा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे भरोसे का रोड शो 2024 के महासमर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं, आज वो कानपुर में रोड शो करके 2 लोकसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।